नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुरजीत। वापस आ चुका हूँ एक और नए जर्नी वीडियो के साथ। फिलहाल हूँ राउरकेला में, जाने वाला हूँ हावड़ा तक। कौन से ट्रेन में ना, थंबनेल देख के और टाइटल से तो आप समझ चुके हो, गीतांजलि एक्सप्रेस में। गीतांजलि एक्सप्रेस में हर कोई जर्नी वीडियो बनाता है हर, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रेन है थोड़ा रूट डाइवर्टेड है। तो सीनी जंक्शन से ये ट्रेन रूट डाइवर्टेड होके ये ट्रेन खड़गपुर की ओर ना जाकर ये ट्रेन चला जाएगा आसानसोल की ओर। आसानसोल होकर बर्धमान होते हुए हम लोग हावड़ा तक की दूरी को तय करेंगे। तो चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं और ट्रेन का अराइवल देख लेते हैं। तो ट्रेन तो चल चुका है, बढ़ रहे चक्रधरपुर की ओर। और कह सकते हैं कि इस रूट का एक लौता टनल और थोड़ा सा ही घाट सेक्शन जो है वो कुछ समय में आने वाला है। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा इन्फो दे देता हूँ इस ट्रेन के बारे में। इस ट्रेन को चलाया गया था 4 नवंबर 1977 को। आज से लगभग 44 साल हो चुका है इस ट्रेन का सर्विस में आए हुए। वन ऑफ द लेजेंडरी ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता हावड़ा। तो चलिए जर्नी में आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अभी से कुछ समय में हम लोग होने वाले चक्रधरपुर में, जिसका स्टेशन कोड होने जा रहा है CKP। और चक्रधरपुर पहुंचने से पहले थोड़ा सा इन्फो आप लोगों को दे दूं। ये जो गीतांजलि एक्सप्रेस चलता है CSMT से आपका हावड़ा तक, इसके बीच इसका टोटल 26 हॉल्ट है डाउन में, और अप में 24 हॉल्ट है। 1968 किलोमीटर्स का ये पूरा जर्नी कंप्लीट करता है ये 31 घंटे में। और इस ट्रेन को ऑपरेट करता है साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो दोस्तों 101 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम लोग अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं चक्रधरपुर। और कह सकते हैं ये चक्रधरपुर से कुछ ही दूरी में है सीनी जंक्शन, जहां से इस ट्रेन को आज के लिए डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं डिपार्चर में। तो हम लोग अभी डिपार्ट कर रहे हैं फ्रॉम चक्रधरपुर, और फिलहाल हमारा ट्रेन 1 घंटा 13 मिनट डिले चल रहा है। तो दोस्तों हम लोग 1 घंटा 20 मिनट के देरी से पहुंच चुके हैं सीनी जंक्शन। आज के लिए ये सीनी जंक्शन इस ट्रेन का हॉल्ट है।
और अभी से कुछ समय में हम लोग यहाँ से निकलने वाले, तो जाने वाले हैं पुरुलिया आसनसोल वर्धमान होते हुए हावड़ा की ओर। तो चलिए मिलते हैं ट्रेन की डिपार्चर में। तो भाई लोग, हम लोगों का डाइवर्सन शुरू हो चुका है। ये सीधा राइट साइड पे जो लाइन जाता हुआ आपको दिख रहा है ना, ये जा रहा है खड़गपुर की ओर टाटानगर होते हुए, और हम लोग बढ़ रहे हैं पुरुलिया की तरफ, जो आगे जाके आसनसोल को कनेक्ट करेगा। रिवर सुवर्ण रेखा तो फिलहाल हम लोग एंटर करने वाले हैं चांडिल जंक्शन को। तो ये रूट डाइवर्ट वाला जर्नी तो हम लोगों का चल रहा है। इसके बीच जो जो भी जंक्शन स्टेशन आ रहा है, कंद्रा जंक्शन हो, चांडिल जंक्शन हो, सभी में हमारे ट्रेन को रोका जा रहा है। पता नहीं कौन सा स्टेशन आज इस ट्रेन का हॉल्ट होने जा रहा है। तो चलिए जितना भी हो सकेगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी से कुछ ही समय में हम लोग होने वाले हैं पुरुलिया जंक्शन पे। तो पुरुलिया जंक्शन से पहले पहुँचने से पहले आप लोगों को एक इन्फो शेयर कर दूँ। अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हो तो आप लोगों को जनरल, मतलब सेकेंड सीटिंग, SLR
मतलब एक यूज हटा के जो SLR चल रहा है वही SLR, AC 3 टायर, AC 2 टायर और साथ में फिलहाल AC 3 टायर इकोनॉमी को ऐड किया गया है। तो आप लोगों को जिसमें मर्जी आप लोग उसमें ट्रैवल कीजिए, वैसे ही ये ट्रेन लेजेंडरी ट्रेन है। तो चलिए यही था बताने को, देखते पुरुलिया जंक्शन में ये ट्रेन क्या करता है। तो दोस्तों हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं पुरुलिया जंक्शन, और पुरुलिया जंक्शन का स्टेशन कोड है PRR, और लगभग ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 2 घंटे के आसपास डिले हो चुका है, और कहते कहते पुरुलिया से डिपार्चर भी हो चुका है। तो मुझे लगा था पुरुलिया में लगभग 4-5 मिनट ये तो रुकेगा ज़रूर, लेकिन रुका नहीं, 2 मिनट से ज़्यादा। तो चलिए डिपार्चर इंजॉय करते हैं। तो फिलहाल हम लोग पुरुलिया से डिपार्ट कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ है रांची पुरुलिया इंटरसिटी, जो एक ही रेक शेयरिंग में चलता है। WF7 लीड में था उसका। ये जो लेफ्ट साइड वाला लाइन आपको जाता हुआ दिख रहा है ना, ये चला गया मुड़ी होते हुए रांची की तरफ, और हम लोग बढ़ रहे हैं जौचंडी पहाड़ की तरफ, जो कि फर्दर आगे जाके आसनसोल को कनेक्ट करेगा, इसलिए इसको पुरुलिया जंक्शन कहते हैं। तो दोस्तों पुरुलिया के बाद हर एक स्टेशन, जैसे मान लो कुस्तौर हो गया, ये स्टेशन, जितने भी स्टेशन आ रहे हैं ना, सभी स्टेशन में लूप लाइन से हम लोगों को क्रॉस करवाया जा रहा है, क्योंकि मेन लाइन पे फ्रेट ट्रेन खड़ा करके रखा हुआ है, ना मिल रहा है अच्छा सा कोई स्किप ना कुछ। तो दोस्तों रूट डाइवर्टेड जर्नी ऑल टाइम आसान नहीं होता, क्योंकि जब रूट डाइवर्ट हो जाता है ना ट्रेन, तो मतलब जो नॉर्मल जर्नी का जो किलोमीटर रहता है, मतलब जितना आपको जर्नी नॉर्मली में करना होता है, उससे बहुत ज़्यादा जर्नी वो रूट डाइवर्टेड जर्नी में करना पड़ता है। तो इस जर्नी में अगर आप लोगों को खाने पीने का सामान ना मिले तो मतलब दिक्कत और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये गीतांजलि एक्सप्रेस में ऐसा कोई बात है नहीं। आप लोगों को ब्रेकफास्ट में मिलेगा कटलेट, ऑमलेट, बड़ा पकोड़े और बहुत सारे
मतलब बहुत कुछ मिल रहा था, पर मैंने वो दो ब्रेड लिया, एक पकोड़ा लिया, एक प्लेट आपका वेज कटलेट लिया। तो सभी खाना मतलब खाने लायक था, ऐसा नहीं है कि खाने लायक नहीं था, गर्म नहीं था पर खाने लायक था। तो अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हो, एसी में जो खाना मिलता है मैं उसका नहीं बता सकता क्योंकि मैं एसी में जर्नी नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लीपर में जर्नी कर रहा हूँ। तो इसमें जो खाना मिला ना आप वो खा सकते हो। तो चलिए, लगभग हम लोग जयचंडी पहाड़ के आसपास हैं। मैं कुछ महीनों पहले इसी रूट पे आया था, टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस में। तो ये वाला पहाड़ आपको दिखाया था मैंने, तो लीजिए फिर से हाजिर है जयचंडी पहाड़। और हम लोग अभी पहुंचने वाले जयचंडी पहाड़ स्टेशन, तो चलिए अराइवल देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी से कुछ ही समय में हम लोग होने वाले हैं आसानसोल जंक्शन में। हम लोग हैं आउटर पे, तो चलिए आसानसोल जंक्शन में हमारे इस ट्रेन का अराइवल देख लेते हैं। और ये जो लाइन आपको आता हुआ दिख रहा है ना, आसानसोल की ओर आ रहा है, ये धनबाद से आ रहा है, जो आगे जाते हुए DDU होते हुए दिल्ली को जोड़ता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आसानसोल जंक्शन।
अब देखने का बात यही है कि ईस्टर्न रेलवे में आके साउथ ईस्टर्न रेलवे का ये गाड़ी क्या अपना ये जो आखिरी का जो कुछ जर्नी बाकी है इसमें 130 का स्पीड पकड़ता है या नहीं। तो जो भी होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा, बने रहिए, डिपार्चर में मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं आसानसोल जंक्शन। एक और स्टॉपेज है हमारे डेस्टिनेशन से पहले, वो है बर्धमान। और यहाँ पे आके आसानसोल में आके इडली बड़ा ट्राई नहीं किया तो क्या किया बॉस। तो ले लिया है इडली 20 का पड़ा 4, तो इसको ही खाएंगे। इसके बाद चलते हैं जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। आसानसोल के बारे में बोल देता हूँ, ये 8th बिजिएस्ट स्टेशन है इन द टर्म्स ऑफ ट्रेन फ्रिक्वेंसी और स्टेशन का स्टेशन कोड है ASN। तो चलिए मिलते हैं डिपार्चर पे, इडली को ख़त्म करते हैं, चलिए चलते हैं। आसानसोल आए और ये ट्राई नहीं किया तो क्या किया। तो आते ही जलवा दिखा दिया पूर्वा ने हॉन्क मार के। तो देखने वाला बात यही है कि कौन से ट्रेन को पहले छोड़ा जाएगा, ये न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस को या गीतांजलि एक्सप्रेस को। तो फिलहाल हमारे गीतांजलि एक्सप्रेस को पहले छोड़ा जा रहा है आसानसोल से, साइड में पूर्वा खड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे जाकर कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है या नहीं। हो सकता है वो पैरेलल ओवरटेक हो सकता है, पैरेलल रेस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो भी होगा इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। अश्वमेध ना, यस, बाय बाय, see you soon। तो दोस्तों फिलहाल हमारे ट्रेन को पराज में रोक दिया गया है, लग रहा है पूर्वा से ओवरटेक खिलाया जाएगा इधर ही। तो चलिए अगर ओवरटेक होता है तो देख लीजिए।
और जो ही बोलो, ये डाइवर्टेड जर्नी याद ज़रूर रहेगा, क्योंकि इतना मतलब ख़राब कंट्रोलिंग आसानसोल के बाद से क्या ही करें। अगर ये ट्रेन को पूर्वा से पहले ही निकाल देता ना वर्धमान से, तो ये ट्रेन एकदम की ऑन ट्रैक रहता है 130 के रफ्तार में। अपना जो बचा कुचा जो अपना जर्नी था ना, वो कम समय में कर लेता। लेकिन क्या किया, पड़ाज में पूर्वा को अपर हैंड दे दिया, वो निकल गया और हम लोग अभी भी वर्धमान नहीं घुस पाए। तो कोई ना, अभी सिग्नल मिला है, वर्धमान की ओर जा रहे हैं। तो चलिए वर्धमान में अराइवल देख लीजिए। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं वर्धमान जंक्शन। ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 2.5 घंटे डिले है अभी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं वर्धमान जंक्शन। स्टेशन कोड है BWN। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2.5 घंटा डिले चल रहा है। और वर्धमान के बारे में क्या ही बताएं, बहुत सारे ट्रेन वीडियोस में अब तक बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। वर्धमान को जंक्शन इसीलिए कहते हैं, यहाँ से एक लाइन आपको सीधा जाता है दिल्ली की ओर, मुगलसराय DDU ये वाला लाइन। और एक लाइन है आपका यहाँ से कठुआ अजीमगंज वाला लाइन, और एक लाइन है जो क्या आपका साहिबगंज वाला लाइन, जो फर्दर आगे जाके वो मालदा न्यू जलपाईगुड़ी को कनेक्ट करता है। तो चलिए यहाँ से डिपार्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों लगभग जर्नी ख़त्म होने को है। ये रूट डाइवर्टेड गीतांजलि एक्सप्रेस का जर्नी, जितना आसनसोल डिवीज़न ने इस ट्रेन को प्रायोरिटी दिया उससे कई गुना ज़्यादा
हावड़ा डिवीज़न ने दिया, क्योंकि बर्धमान के बाद से ये जो ट्रेन चला है पूरा मक्खन की तरह चला है 130 के स्पीड पे। आप लोगों को कैसा लगा ये ताबड़तोड़ एक्शन कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। तो दोस्तों फिलहाल हावड़ा पहुंच चुका हूं और लेट ही सही पर ये जर्नी दिल छू लिया है, सच में दिल छू लिया है। और आशा करता हूं आप सभी को भी ये जर्नी बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो तक इतना ही तक था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप सभी से मुलाकात होगा नए कोई और वीडियो में। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, फिर मिलेंगे, टाटा।